नमस्कार दोस्तों, एनसी टीवी पर आपका स्वागत है। यह कोई युद्ध स्थल नहीं है, इधर पंजाब है उधर हरियाणा है, और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी कभी आपने तस्वीर नहीं देखी होगी कि दो राज्य, बड़े राज्य जो पंजाब और हरियाणा के बीच में जो घग्गर नदी है उसके इस पार पंजाब के किसान हैं और दूसरी तरफ उधर अर्धसैनिक बल के जवान हैं, और यहाँ पर माटी बेटी का रिश्ता भी है। इधर किसान जो खड़े हैं वो उन जवानों के रिश्तेदार भी हैं, उधर और उधर जो जवान खड़े हैं वो भी किसानों के रिश्तेदार भी हैं। देर रात हो चुकी है, दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, ऐसी दीवारें जैसे ये कोई युद्ध स्थल है। अपने बेटों के खिलाफ ये जंग शायद हमने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। आज हिंदुस्तान को जो अमृत काल कहा जाता है, नए भारत की ये तस्वीर आप देखिए कि जो नेशनल हाईवे है जो कि पूरे हिंदुस्तान साउथ के हिंदुस्तान नॉर्थ से जोड़ता है, नॉर्थ को पूरे देश से जोड़ता है, उस सड़क पर जवान भी है, उस सड़क पर किसान भी, आमने सामने जवान और किसान को सरकार ने खड़ा किया। एक हक और हुकूक के लिए किसान लगातार अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, आराम से बैठे किसान नेता लगातार अपनी शांति की बात भी कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है दर्शकों कि इस शांतिपूर्ण को किस तरह से उग्र बनाया जा रहा है दूसरी तरफ से, जिसे डबल इंजन की सरकार कह रही है। मैं खासकर कुछ दिनों पहले मणिपुर में भी गया था, वहां पर भी ऐसे ही हालात थे कि एक राज्य में विभाजन कर दिया गया है दो जातियों के खिलाफ, दो इंसानों के खिलाफ। ये कौन से नए भारत की तस्वीर है, ये कौन सा अमृत काल है जहां पर भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, जवानों को किसानों से लड़ाया जा रहा है। शायद उधर से जो आंसू बम के जो गोलियां चलाई जा रही हैं वो भी वो दर्द से निकलती होगी, क्योंकि वो जवान इधर के किसान का या तो बेटा है, भाई है, रिश्तेदार है। अफसोस इस बात का है कि इस तादाद में बैठा हुआ किसान शांतिपूर्ण से अपनी हक मांग रहा है, अपने हक और हकूक को मांग रहा है, और सरकार ने पहले भी देखा है कि एक साल तक आंदोलन चलने रहने के बाद 700 से ज्यादा किसानों ने की जब शहादत हुई, और हमने देखा कि संसद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, जबकि विपक्षी दलों ने कहा कि जो किसानों की शहादत हुई है उनके प्रति जो है संसद में जो है श्रद्धांजलि देनी चाहिए, सरकार ने उसको मनाही कर दी। तो आप सोच सकते हैं कि इस सरकार का किसानों के प्रति क्या रिश्ता है। यहाँ ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी युद्ध स्थल में खड़े हैं। हमने अपनी पूरे जीवन में ऐसा कभी धार्मिक स्थान नहीं देखा है कि एक सड़क पर इस सरकार ने दो अपने लोगों अलग 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 भगवान